व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज दानिश, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे पास आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर मैं आपको दोनों क्वेश्चंस बता देता हूं, जिससे कि एटलीस्ट आपको एक बेसलाइन मिलेगी, आपको एक एजेंडा का पता होगा कि व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें पार्ट टाइम जॉब्स करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक बेसिकली यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब से अगर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट आता है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, स्पेशली इतनी महंगी कंट्री में कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, क्या जो है इनकम लेवल होता है, और कैसे अपना प्लान और कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेगा। तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है डिपेंड्स। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो एटलीस्ट एक डेढ़ साल के लिए, तो आपको मेरे हिसाब से फुल टाइम जॉब्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय पार्ट टाइम जॉब्स पर। आपको जल्दी से जल्दी फुल टाइम जॉब लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फुल टाइम जॉब लगेगी आपकी स्टेबिलिटी जल्दी से जल्दी आएगी और आपकी एक रेगुलर इनकम, कंसिस्टेंट इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो पार्ट टाइम जॉब्स पे आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अब इसी का ही एग्जांपल ये मान लो कि अगर आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और आपकी कुछ सेविंग्स हैं इंडिया में जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो यहाँ पर, तो आपको जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एज अपोज टू अगर आप नॉर्मल लाइक मिडिल क्लास फैमिली से हो, फ्रेशर हो, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने लोन लिया हुआ है, या आपके पास इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं है और आपको वो लोन उतारना है, जो भी आपने जहाँ से भी फंड्स इकट्ठे किए हैं आपको वो रीपे करने हैं, तो आपको एक बार के लिए पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि यू नो काफ़ी सारी कमिटमेंट्स होती है, पर्सनल भी कमिटमेंट्स होती है, लोन्स भी होते हैं, वो सब उतारने पड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स आयरलैंड में कौन सी हैं। तो अब इससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, जो भी मैं 2 या 3 जॉब्स के बारे में अभी आपको बताऊंगा, उन तीनों जॉब्स में मैंने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी नहीं हुई है, ये जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, होपफुली आपको हेल्प भी करे। तो सबसे पहली जॉब जो आती है वो आती है टीचिंग असिस्टेंट की। अब टीचिंग असिस्टेंट क्या होता है, अब हर लेक्चर में एक मेजर प्रोफेसर होता है जो क्लास को पढ़ाता है, स्लाइड्स गो थ्रू करता है, किसी भी टाइप के डाउट्स सॉल्व करता है। मगर अगर प्रोफेसर बिजी हो, ठीक है ना, तो वो अपना एक असिस्टेंट रख लेता है, ठीक है ना, और वो क्लासमेट्स में से नहीं होता, वो एडिशनली होता है कोई ना कोई, ठीक है ना। और अगर किसी भी क्लास में यू नो स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस टीचिंग असिस्टेंट को बुला के बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई स्टैटिस्टिक्स की, सो ऑन एंड सो ऑन, जिस भी डोमेन में आप पढ़ रहे हो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। तो असिस्टेंट का काम होता है, टीचिंग असिस्टेंट का जनरली काम ये होता है कि स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें, स्टूडेंट्स की किसी भी टाइप की हेल्प करें, ठीक है ना। हर बार आप प्रोफेसर पर रिलाई नहीं कर सकते, तो हर प्रोफेसर अपना कहीं ना कहीं एक टीचिंग असिस्टेंट रख के चलता है। तो आप वो जॉब कर सकते हो टीचिंग असिस्टेंट की। इसके सबसे बड़े एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो आपको पे अच्छी मिलेगी, अगर आपको रेगुलर जो है आयरलैंड में पे मान लो कहीं ना कहीं 9.8 या 9.9 या 10 यूरोस की मिल रही है, तो टीचिंग असिस्टेंट में आपको 13 यूरोस टू 14 यूरोस टू इवन 15 यूरोस एज वेल पर आर की पे जो है आपको वो मिल सकती है। तो अच्छी खासी पे वाली जॉब है टीचिंग असिस्टेंट की, तो आप उस चीज़ को उस जॉब को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज टीचिंग असिस्टेंट जॉब का ये है कि आपको स्किल्स डेवलप करने का भी मौका मिलता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपने डेटा साइंस पढ़ी है और आप सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर कर चुके हो, ठीक है ना, आप अपनी थीसिस पीरियड में हो और आप स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ चुके हो, आप मशीन लर्निंग भी पढ़ चुके हो, आप डीप लर्निंग भी पढ़ चुके हो, आप सारी की सारी चीज़ें ये सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप मशीन लर्निंग की क्लास के लिए टीचिंग असिस्टेंट बन जाओ, ठीक है ना। अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अगर मान लो कुछ ना कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है या कुछ नहीं पढ़ रखा, तो अगर आप वो सेकंड टाइम पढ़ोगे आपकी अपनी क्लास में जो एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो आपके वो डबल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। थर्ड एडवांटेज टीचिंग असिस्टेंट जॉब का ये है कि आप प्रोफेसर के साथ डायरेक्टली अपना नेटवर्क बना सकते हो। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि हर प्रोफेसर, ज़रूरी नहीं है कि वो जस्ट प्रोफेसर ही हो, ठीक है ना, कुछ कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं जो अपना साइड बिजनेस भी करते हैं अपार्ट फ्रॉम कि जो उनकी मेजर प्रोफेसर की या लेक्चरर की जॉब है वो तो करेंगे ही करेंगे। कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की कंपनीज भी होती हैं। तो अगर प्रोफेसर को ये चीज़ पता है कि हाँ यार ये स्टूडेंट थोड़ा ब्राइट है, काफ़ी इंटरेस्ट लेता है सो एंड सो टेक्नोलॉजीज़ में, या अगर कोई भी क्लासमेट जो है इस स्टूडेंट से पूछ रहा है कोई भी डाउट तो उसका डाउट्स क्लियर कर रहा है, तो दैट मीन्स ही नोज़
द बेसिक्स हिज फंडामेंटल्स आर क्लियर, ठीक है ना, और आपकी डायरेक्टली प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी एक अच्छी रैपो बनी हुई है अपने प्रोफेसर के साथ, तो प्रोफेसर ही कहीं ना कहीं आपको अपनी कंपनी में जो है वो जॉब के लिए डायरेक्टली इन्वाइट कर देता है। अगर फुल टाइम जॉब के लिए नहीं बुलाएगा तो हो सकता है आपको बोले कि यार आप एज अ इंटर्न की तरह आप आओ और थोड़े से और बाकी सारी टीम्स को ये देखने दो कि आप कैसे हो, अगर सबको पसंद आया तो आपको जॉब मिल गई। बेसिकली आइडिया यही है कि आपको डायरेक्टली ब्रेक मिल जाए और जितना जल्दी ब्रेक मिल सके उतना जल्दी ब्रेक मिल जाए, ठीक है ना। तो टीचिंग असिस्टेंट का ये भी बहुत बड़ा फायदा है। अब नेक्स्ट जॉब आती है सेल्स असिस्टेंट्स की। सेल्स असिस्टेंट बोल रहा हूँ मैं, रिटेल असिस्टेंट नहीं बोल रहा, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, मैं आगे बताता हूँ क्या फर्क है। जब भी मैं सेल्स असिस्टेंट के बारे में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि आप असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हो मल्टीनेशनल ब्रांड्स में, जैसे कि हुगो बॉस हो गया या ज़ारा हो गया या डेबेनहम्स हो गया, लॉरा एशली हो गया, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करो, जस्ट लोकल यू नो छोटी स्टोर्स इन छोटी शॉप्स इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा, वो रिटेल असिस्टेंट्स होते हैं। मैं आपको सेल्स असिस्टेंट्स की बारे में बता रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो उसकी भी पे बहुत अच्छी है, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, टीचिंग असिस्टेंट इसकी पे अच्छी है, सेल्स असिस्टेंट हो गया इसकी पे भी अच्छी है, 13-14 यूरो पर आर के हिसाब से आपको पे मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पोस्ट पे लगे हो। अगर आप कैशियर लगे हो तो यू नेवर नो आपको और ज़्यादा पे मिले, अगर आप नॉर्मल सेल्स असिस्टेंट लगे हो तो आपको 13-14 यूरो के आसपास भी पर आर पे रेट मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होगी, ठीक है ना, जो कस्टमर्स आएंगे आपको उनकी चॉइसेस के बारे में समझने को मिलेगा, आप उनसे वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो, तो उससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स और आर्ट ऑफ सेलिंग जिसे बोलते हैं, वो आपकी चीज़ें होन होंगी, डेवलप होंगी, ठीक है ना। आपको टीम में काम करना आएगा कि यार अगर एक पर्सन एक बंदा ये काम कर रहा है तो मैं वो काम कर लूँ, ठीक है ना, और आपकी वन ऑन वन डायरेक्टली आप अपने मैनेजर से, जो भी आप अगर आप सेल्स असिस्टेंट की तरह हो तो एक फ्लोर मैनेजर भी होता है, तो आप उनके साथ डायरेक्टली रीच आउट, मतलब उनके साथ बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है पर्सनली कि जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, जो थोड़ी सी मैनेजमेंट एंड बिजनेस साइड फील्ड से बिलोंग करते हैं या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, फ्लोर मैनेजर्स ही खुद जनरली आके आपसे पूछ लेते हैं कि आप स्टूडेंट हो या आप क्या कर रहे हो, तो आप ऐसे में बता सकते हो नहीं मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ और आई एम लुकिंग टू गेट अ जॉब इन समवॉट सिमिलर रिटेल डोमेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो मैनेजर्स भी आपको कभी कभी फुल टाइम हायर कर लेते हैं, ये बेसिकली पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन अगर आप मैनेजर के साथ अच्छे से बना के रखो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप ईजिली कुछ प्रोडक्ट अपना सेल कर पा रहे हो, नेगोशिएट कर पा रहे हो, मान लो कभी कभी कोई कस्टमर कह रहा है कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, मगर आपने उसको कन्विंस कर लिया कि यार ये ले लो बहुत अच्छा ऑफर है, सो ऑन एंड सो ऑन, यू गेट द आइडिया। तो मैनेजर जो है वो बहुत ऑब्जर्व करता है इस चीज़ को और आपको कहीं ना कहीं ये देख लेगा कि अगर आप ब्राइट हो, आप में कहीं ना कहीं स्पार्क है, तो आपको वो फुल टाइम हायर कर लेगा, और जो पर आर पे रेट है उसको हटा के आपको एक फुल टाइम परमानेंट पे रेट जो है उस पर आपको रख लेगा। सेकेंड एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप मान लो परमानेंट हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, और आप अपने मैनेजर को बोलते हो कि मैं एक इंटरनेशनल हूँ तो मुझे यहाँ पे काम करने के लिए चाहिए सो ऑन सो ऑन वीज़ा चाहिए, तो मैनेजर जो है वो आपको वीज़ा भी कभी कभी किसी किसी केसेस में स्पॉन्सर कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे बड़े ब्रांड्स आते हैं, छोटे ब्रांड्स नहीं आते। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं हुगो बॉस एंड सो ऑन एंड सो ऑन, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको वीज़ा जो है वो स्पॉन्सर कर सके, ठीक है ना। अब वो पैसे कौन देगा कौन नहीं देगा वो बात की बात है, एज लॉन्ग एज अगर आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्रिटिकल स्किल्स नहीं मिलेगा, मगर आपको जनरल स्किल्स मिलने के भी चांसेस हैं इस डोमेन में। थर्ड जॉब जो मेरे हिसाब से बेस्ट है वो है फ्रीलांसिंग। सबसे पहला इसका इतना बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस में, आप अपने कम्फर्ट मोड के हिसाब से आप जॉब कर सकते हो। सेकेंड एडवांटेज कि इसमें भी पे रेट बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स खोल के देखो, फॉर एग्जांपल फाइवर हो गया या एसईओ क्लर्क्स हो गया या ठीक है ना अपवर्क्स हो गया, जितनी भी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, फ्रीलांसर हो गया, तो उसमें आपको दिखेगा कि नॉर्मल जैसे मान लो वेबसाइट डेवलपमेंट के पर आर के हिसाब से लोग चार्ज कर रहे हैं या पर प्रोजेक्ट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो अब एक बार आप उसमें खुद एक बार चार्जेस जाके देखो, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन डिमांड है आजकल फ्रीलांसर्स भी, तो आप ये काम भी कर सकते हो। सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि आप साइड बाय साइड जो आप पढ़ रहे हो वही आप अगर फ्रीलांसिंग की तरह यूटिलाइज कर रहे हो तो बेसिकली आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ली, साथ में आपने किसी और के लिए प्रोजेक्ट बनाया तो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ली, और ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर जो है आपको फुल टाइम जॉब दिलवाने में बहुत हेल्प कर सकता है। ना केवल इतना, बाकी साइड बाय साइड आपकी फ्रीलांसिंग वाली जो प्रोफाइल है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, वो भी धीरे धीरे बिल्डअप होगी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वाउचेज आएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टार्स आएंगे, सो ऑन एंड सो ऑन। तो आप फ्रीलांसिंग जो है वो आप नॉट जस्ट पार्ट टाइम की तरह मत समझो, हो सकता है अगर आप फुल टाइम कर रहे हो और आपके पास साइड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो इस मतलब अपने फुल टाइम जॉब के साथ साथ, ठीक है ना। तो इसमें आपकी इनकम जो है वो एक तरीके से डबल बूस्ट होके चलेगी, और जो भी आपकी कमिटमेंट्स है आप एक्स्ट्रा इनकम से
आप अपनी जो है वो डिस्पोजेबल आप कुछ भी कर सकते हो बेसिकली, आप अपना लोन उतार सकते हो, यू नो आप रेंट दे सकते हो, सो ऑन एंड सो ऑन, मिसलेनियस कुछ भी खर्चे हो सकते हैं। तो बस यार आज का एजेंडा बस यही था, आई होप आपको पसंद आया होगा और ये टोटली पर्सनली मेरा ही एक्सपीरियंस है। बाकी अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो या कुछ सजेशन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।